Ira becomes a flower gardener. Ira ek flower gardener kaise banti hai? I explained you the word meanings and showed you also the picture of national flowers of Indonesia. This is a story about Ira, who was a young girl of 14, and she lives in Indonesia. She wanted to be a flower gardener. Ira was interested in flower plantation. Mrs. Sri gave her a book with pictures of all kinds of attractive flowers. Ira was very sad. वो बहुत उदास थी जब उसे Mrs. Sri ने book दी. Why she was sad? Because she was not able to read. The villagers of Shihejo, जहाँ Ira रहती थी, always participated in the annual kite competition also. हर साल वो एनुअल काइट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करते थे एंड वन प्राइजेस आल्सो. दे एक्सपेक्टेड ईरा टू डू द इलस्ट्रेशन. वो हमेशा ईरा से एक्सपेक्ट करते थे कि ईरा ड्रॉ करे काइट. स्टूडेंट्स, वी हैव रेड द स्टोरी टिल हियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्दर स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. We have to start discussing the design of our kite as soon as we can, Ira's father said. Ira ke father ne kya kaha ki jitna jaldi ho sake hame discussion karna chahiye kite ko design karne ke liye ki kaise kite design karni hai. We only have 3 months. Hamare paas sirf 3 months hain काइट डिजाइन करने के लिए, क्योंकि जो एनुअल फंक्शन एनुअल जो कंपटीशन होता था काइट फ्लाइंग का, उसमें काफी सारे विलेजेस पार्टिसिपेट करते थे. तो उसके लिए एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन जो है वो हमेशा ईरा बना कर दिया करती थी. आई ऑल्सो हैव ओनली 3 months टू रीड द बुक, थॉट ईरा. अब ईरा क्या सोच रही है कि अगर काइट कॉम्पिटिशन के लिए हमारे पास 3 months है, तो बुक स्टडी करने के लिए भी मेरे पास सिर्फ 3 months हैं, क्योंकि रोज प्लांटेशन के लिए, फ्लावर प्लांटेशन के लिए जो नेक्स्ट मीटिंग होनी थी वो कब होनी थी? आफ्टर 3 months. She sat for hours under a jambu tree. जम्बू क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फ्रूट दैट ग्रोज इन इंडोनेशिया. She sat for hours. वो ईरा जो है वो घंटों तक बैठी रही कहाँ? अंडर अ जम्बू ट्री. स्टार्टिंग एट द स्टेयरिंग एट द ब्लू स्काई. स्टेयरिंग होता है बहुत ध्यान से देखना, और कॉन्टिन्यूसली वो ब्लू स्काई की तरफ देख रही थी. इफ शी सक्सीडेड इन दिस बिजनेस शी वुड बी एबल टू सी एंड स्मेल रोजेस एवरी डे. और वो क्या सोच रही थी कि अगर वो अपने इस बिजनेस में उसे सक्सेस मिल गई, कौन सा बिजनेस? फ्लावर प्लांटेशन का. शी वुड बी एबल टू सी एंड स्मेल रोजेस एवरी डे. वो रोज रोजेस को देख पाएगी और उन्हें स्मेल कर पाएगी. शी स्माइल्ड. स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप राइटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. शी स्माइल्ड एंड देन बिकेम सैड अगेन. वो हंसी और दोबारा उसी टाइम दोबारा वो सैड हो गई, उदास हो गई. ओह, हाउ कैन आई ग्रो रोजेस इफ आई डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. अब वो किस लिए दोबारा उदास हो गई हंसते हंसते? क्योंकि वो सोचने लगे कि मैं रोजेस ग्रो कैसे कर सकती हूँ जब तक कि मुझे उनको टेक केयर करना नहीं आता, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई गाइडेंस मुझे नहीं मिल सकती, तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगी. इफ ओनली आई कुड रीड दैट बुक शी साइड. उसने गहरी सांस ली और क्या सोच रही है कि काश वो उस बुक को पढ़ सकती जिससे उसे नॉलेज मिल सकती. In the afternoon, her friends came to talk about the kite. Afternoon में उसके friends उसके पास आए about the discussion of the kite. But Ira became angry. पर उनके आने पे Ira angry, उसे गुस्सा आ गया. I don't want to help you, she shouted. और वो चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी help नहीं करूंगी. Go away, she ran crying to her room. उन्हें उसने अपने फ्रेंड्स को जाने को कहा और क्राई करते हुए वो अपने रूम में चली गई. ईरास फ्रेंड्स एंड हर मदर वर सरप्राइज्ड. ईरा के फ्रेंड्स और उसकी मदर सरप्राइज थे कि इसके बिहेवियर में ये चेंज क्यों है, क्यों आ रहा था उसके बिहेवियर में चेंज? क्योंकि जो उसके पास बुक थी,
जहां से उसे नॉलेज मिल सकती थी वो अब उसे पढ़ नहीं सकती थी बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू रीड। हर मदर फॉलोड ईरा इनटू हर रूम। ईरा की मदर उसके पीछे पीछे उसके रूम में गई। When she saw the book of flowers on the table, she understood at once. जब ईरा की मदर ने टेबल पे उस बुक को देखा, फ्लावर प्लांटेशन की बुक को देखा, तो वो एकदम से सारी बात समझ गए कि ईरा के बिहेवियर में ये चेंज क्यों है। Back in the sitting room, she faced ईरा's friends. ईरा की मदर वापस सिटिंग रूम में आ गई जहां उसकी ईरा की फ्रेंड्स बैठी हुई हैं और उनसे बात की उसने। ईरा इज इन ट्रबल। और क्या बताया उसने कि ईरा जो है वो ट्रबल में है, वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। शी टोल्ड देम शी नीड्स योर हेल्प टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू। विल यू टीच हर टू रीड। अब उसकी मदर क्या, ईरा की मदर क्या बोल रही है फ्रेंड से, शी नीड्स हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। विल यू टीच हर टू रीड। क्या दे एग्रीड इमीडिएटली। उसके ईरा के जो फ्रेंड्स हैं वो एग्रीड हो गए, तैयार हो गए कि हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ईराज बेस्ट फ्रेंड सारी वुड टीच हर टू रीड एंड राइट। क्या डिसाइड हुआ कि जो ईरा की फ्रेंड है सारी वो उसकी हेल्प करेगी किस चीज में, टू रीड एंड राइट। The next morning, Sari came to have a chat with Ira. अगले दिन सारी आई और उसने ईरा से बातें की। This is unbearable because I can't read. I won't be able to have that flower plantation I have always dreamed of. Ira cried. जब उससे बातें कर रही थी तो ईरा ने cry किया, मीन वो रो रही है, उदास हो रही है और क्या कह रही है, This is unbearable. अब ये मेरे से सहन नहीं हो रहा क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती, और अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं एबल नहीं हूं कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। कौन सा सपना? फ्लावर प्लांटेशन का। डोंट बी सैड ईरा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी डे अंटिल यू आर एबल टू रीड एंड राइट। अब ईरा की फ्रेंड सारी क्या बोल रही है, डोंट बी सैड, उदास मत हो ईरा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी डे, मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगी, अंटिल यू आर एबल टू रीड एंड राइट, जब तक कि तुम अच्छे से पढ़ना और लिखना नहीं सीख जाती। यू मीन इट, क्राइड ईरा। ईरा अब खुशी से चिल्ला रही है, तो क्या बोल रही है कि तुम ऐसा करोगी। ओ बट वी ओनली हैव 3 months टाइम एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन मेकिंग द काइट। अब ईरा क्या बोल रही है, बट Only we have 3 months. Kite competition के लिए भी हमारे पास 3 months हैं. अभी उसका design भी final करना है. Let's forget the kite for the time being. उसकी friend क्या बोल रही है, ईरा की friend. Let's forget. आओ अभी थोड़े time के लिए हम kite making, kite के design को भूल जाते हैं. Knowing your talent, you won't need much time to make the design. क्या बोल रही है वो कि मुझे तुम्हारा टैलेंट पता है, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए किसी भी काइट को डिजाइन करने के लिए। Why not concentrate on your lessons first? क्यों ना हम सबसे पहले आपके तुम्हारे लेसन पे कॉन्सेंट्रेट करें, मतलब तुम्हारे पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, पूरा अटेंशन हमारा अब तुम्हारी पढ़ाई पे होना चाहिए। इफ यू डू योर बेस्ट, अगर तुम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दोगे, You will be able to read within 1 month. अगर ईरा तुम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करोगे तो तुम एक ही महीने में पढ़ना और लिखना सीख जाओगे। I will do my utmost. Utmost mean try my best. ईरा promised. ईरा ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बहुत अच्छे एफर्ट्स करूंगी। Sarvani, stop writing anything, stop drawing anything on the screen. Ira made good progress. Soon all her friends joined in teaching her to read. Ira made good progress. Ira ne bahut achhi progress dikhai. Means usne apna bahut achha interest dikhaya padhai mein. Soon all her friends joined in teaching her to read. Ab
चलते ही उसके बाकी जो फ्रेंड्स थे वो भी इन्वॉल्व हो गए उसको पढ़ाने के लिए, टू राइट, पढ़ाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए, एंड टू टेक डिक्टेशन. अब वो उसे डिक्टेशन बोला करते थे, मीन्स सारे जो फ्रेंड्स थे उसकी हेल्प कर रहे थे, काफी एफर्ट्स कर रहे थे, और जो ईरा है वो भी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रही थी. इन द एंड द बुक अबाउट फ्लावर्स वॉज रेड एंड डिस्कस्ड इन द क्लासरूम बाय ऑल. लास्ट में क्या हुआ, जो मिसेस श्री ने ईरा को बुक दी थी अबाउट द फ्लावर्स, उसे पढ़ा गया और डिस्कस किया गया क्लासरूम में. कौन से क्लासरूम में? ईरा और उसकी फ्रेंड्स, इन सबको जो क्लास एक बनी थी उस क्लास में उसकी फ्रेंड्स के साथ उसने उस बुक को डिस्कस किया. ईरा वॉज ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड्स. ईरा अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ग्रेटफुल थी, थैंकफुल थी. एंड वन डे शी टोल्ड देम दैट इट वॉज टाइम टू हेल्प देम विद द काइट. अब ईरा ने उन्हें क्या बोला, जब वो पढ़ना सीख गई तो एक दिन अब ईरा ने क्या बोला अपने फ्रेंड्स को कि अब वो टाइम आ गया है कि काइट डिजाइन करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर. बेटे अभी अपनी वीडियो सब बच्चे बंद करो, वरना आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे बच्चे. फ्लावर्स होनी और इसके ऊपर सुंदर फ्लावर्स ड्रॉ किए गए थे. स्टूडेंट्स लुक एट द डिजाइन ऑफ दिस काइट. दिस इज द काइट डिजाइन्ड बाय ईरा. देखिए बेटा इसकी टेल देखो कितनी लॉन्ग है और शेप इज यूनिक, मींस बिल्कुल डिफरेंट है, एंड दैट इज वेरी बिग इन साइज आल्सो. She has won the first prize for the kite's beautiful design of flowers was irresistible. She has won the first prize. She has ko first prize mila for the kite's beautiful design of flowers. Kyunki kite pe bahut sundar flowers design kiye gaye the. Was irresistible. Irresistible means jis aisi cheez jisme se कोई भी फॉल्ट निकालना, कोई भी कमी निकालना बहुत मुश्किल होता है. नाउ दैट द कॉम्पिटिशन इज ओवर. अब जो कॉम्पिटिशन है वो ओवर हो चुका था. फ्लाइट काइट कॉम्पिटिशन जो है वो ओवर हो चुका था. शी है जो जो है वो फर्स्ट प्राइज, शी है जो एक इधर है ये फर्स्ट प्राइज जीत चुके. I am going to concentrate on my roses. Abira क्या बोल रही है कि competition अब खत्म हो चुका है, अब हमें मुझे कहाँ concentrate करना चाहिए, on my roses. Rose plantation पे अब मुझे पूरा वहां देना चाहिए, मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए, पूरी लेनी चाहिए कि मैं वो सब कैसे करूंगी. Ira told her father the next day. I am going to be a rose gardener. अगले दिन ईरा ने अपने फादर को बताया, I am going to be a rose gardener.
टीरा अपने फादर से क्या बात की है? नाउ आई एम गोइंग टू बी अ रोज गार्डनर, अब मैं एक रोज गार्डनर बनने वाली हूँ. आई फुली एग्री विद यू एंड प्रोमिस टू हेल्प यू, सेड हर फादर. टीरा के फादर क्या बोल रहे हैं? आई फुली एग्री विद यू, मैं तुमसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं तुमसे प्रोमिस भी करता हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी हो सके कि तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा. The most important thing is that you should feel happy with your work. और इसके फादर क्या बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? That you should feel happy with your work. जो काम तुम कर रही हो तुम उसमें खुश होनी चाहिए हो. कौन से फ्लावर थे रोजेस के अलावा? मैरीगोल्ड, मार्गरेट एंड कार्नेशंस. इन हाउस वास इज फुल ऑफ रोजेस फिल्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द. जितने भी पॉट घर में थे वो चारों तरफ अब घर में रोजेस ही रोजेस नजर आ रहे थे. पॉट में भी ड्रीम कम ट्रू, सपना पूरा हो गया था. She had become an accomplished gardener. Accomplished means talented. अब इरा एक gardener माली हो गई. Means अब उसे rose plantation, flower plantation करना आ गया था और यही उसका dream था कि वो बड़ी होके क्या बनेगी? Rose a flower gardener. Okay? Yes, dear students, that's all about this chapter. Now I am going to show you the pics of different flowers. Yes, this is marigold, गेंदे का फूल. आप सबने देखा होगा, this is marigold. Next is marguerite. This is marguerite. जो इरा के गार्डन में फ्लावर्स थे मैं उनकी पिक्स आपको दिखा रही हूँ. Marguerite ये व्हाइट कलर में होता है. ओके एंड नेक्स्ट वन इज, और कौन सा था? कार्नेशंस. दिस इज इन डार्क रेड और पिंक कलर, यू कैन सी. ओके, अब उसने ये तीनों फ्लावर्स और रोजेस, ये फ्लावर्स उसने अपने गार्डन में ग्रो कर लिए थे. दिस इज कार्नेशन, दिस इज मार्गरेट एंड दीज आर मैरीगोल्ड्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, students, now let's have fun. Okay, I am giving you the chance. Like tomorrow you have underlined the nouns. Today